तुम्हें जब तोले जा रहे हैं शानदार व्यक्ति आगे चले और इस गांव को विकास की तरफ लेके जाए, हम उसका साथ दें, हम उसके साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले। इसीलिए हम बार बार फौजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस गांव का जो विकास है वो आपके हाथ में होगा। किसी तरीके का भाईचारे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार के कोई परिवारवाद की बात नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ लक्ष्य है फौजी ईमानदार, त्याग हर समय आपके साथ खड़ा मिलेगा, हर समय आपको जिस समय आप बात करोगे फोन करोगे आपको तैयार मिलेगा। इसलिए हम लक्ष्य लिया है, हर किसी का ये लक्ष्य होना चाहिए। तो इसीलिए मैं फौजी साहब को भी इनवाइट करना चाहता हूँ, एक मिनट शिक्षा जो बातें हैं, त्याग की जो बातें हैं वो आप बताएं और आए मंच पर। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य है स्वर्गीय दादा श्री मगलू राम का परिवार, दादा श्री मसाणा राम का जी परिवार, गाँव से आए हुए सभी 36 बिरादरी के मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य और छोटे युवा। भाषण तो इतना लंबा छोड़ा हुआ को नहीं, लेकिन जो सुरेंद्र ने जो बात कही है, सुरेंद्र सिंह ने, उन बातों पे मैं पूरा खरा उतरूंगा। गांव का भाईचारा विकास अपना समर्थन रहेगा, भाईचारा विकास ईमानदारी और सबके साथ, सब 36 बिरादरी के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। अच्छा काम, कोई भी आधी रात को कोई बच्चा बोलेगा कि फौजी साहब यहाँ आओ, ये काम बढ़िया है, ये होना चाहिए, तो वो मेरा कान पकड़ लियो और मैं वो काम में पीछे को नहीं हटूंगा, हर चीज़ में आपके साथ रहूँगा। आपने जो मेरे को मान सम्मान दिया है इसका मैं बहुत ऋणी हूँ। कब तक उतारूँगा, कैसे होगा ये तो वक्त बताएगा आगे, लेकिन मैं भूल नहीं सकता ऐसा, मतलब जो मेरे साथ जो इतना बड़ा प्यार सहयोग मेरे को दिया है गांव ने, इस परिवार ने, 36 बिरादरी ने, और देने लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा श्री का परिवार का, स्वर्गीय दादा श्री मगलू राम और मसाणा राम जी के परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत 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 बहुत, क्योंकि इनके स्टूडेंट रहे हैं, फौजी साहब का स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, इसलिए कह रहा है कि मुझे तय दिल से माला डालनी है। थैंक यू। बच्चा बोल रहा है, शिक्षा के प्रति बच्चा बोल रहा है। सभी को नमस्कार, मैं संदीप भारती आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल JBC7 पे। आज हमारे साथ है श्री रणधीर सिंह जी फौजी, जो ग्राम पंचायत जांडवाला बागड़ के सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आज हम उन्हीं से रूबरू होते हैं और जो इतना बड़ा आप जन सैलाब देख रहे हो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फौजी जी, हमारी चैनल की तरफ से आप राम राम। आपको भी थैंक यू, आपको भी नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को राम राम। सभी दर्शकों को राम राम और स्वर्गीय दादा मगलू और दादा मसाणा परिवार को भी ढेर सारी राम राम और 36 बिरादरी को भी ढेर सारी राम राम, जो गांव के इकट्ठे इतने भाइयों ने मेरे को सहयोग दिया और इस परिवार ने जो दिया है इसका मैं ऋणी रहूँगा। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि पहले आपने फौज में रह के देश की सेवा की, बाद में आपने अध्यापक पद पर नियुक्त होकर गांव के बच्चों के पढ़ाई में आपने योगदान दिया, और अब आप जो चुनाव में उतरे हैं, तो इसका आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और गांव की सफाई, गांव के विकास के काम, भाईचारा और जो भी काम, गांव के जो बढ़िया काम है वो 24 घंटे करने के लिए तत्पर रहने के लिए देश की सेवा कर दी, उसी हिसाब से गांव की सेवा और शिक्षा विभाग में भी सेवा करी, इसी हिसाब से गांव की सेवा करता रहूँगा। JBC7 जो चैनल है वो किसी प्रकार से किसी से कोई अपनी तरफ से कोई अपील नहीं करता, लेकिन हम हर एक उम्मीदवार को ये ज़रूर मौका देते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे दर्शकों से, आप गांव से अपील कर सकते हैं कि आपको किस उद्देश्य के लिए गांववासी अपना वोट दें, अपना समय दें। वैसे तो जो फौज का व्यक्ति होता है उसकी लाइफ और टाइप की होती है, वो गांव में भी हमेशा यही सोचता है कि यहाँ क्या अच्छा हो, इसलिए हमें गाँव में पूरा 35 साल की जो मेरी सर्विस है उसका तजुर्बा के हिसाब से गांव में क्या क्या काम बढ़िया होने चाहिए, भाईचारा तो बहुत ज़रूरी है 36 बिरादरी का, और उसके बाद में विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर वो चीज़ जो आज तक हो सके कभी हुई ना हो ठीक ठाक, और कोशिश तो की गई हो लेकिन फिर भी बाकी हो, ऐसी चीज़ों को आप पूरी कवर करेंगे, यही मेरा विजन है, यही मेरा फोकस है।
तो आने वाली 25 तारीख को चुनाव है, उसकी अपील आपके सामने फौजी साहब कर रहे हैं। तो सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, और फौजी साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि अपना कीमती समय हमको दिया। जय हिंद, जय जय हिंद, जय भारत।